स्वागत है सबका एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आज सब आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर दे रही हैं और इटली की ऑलमोस्ट जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं। सो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि सर प्लीज़ लेट मी नो कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। तो जो मेन क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी मोस्टली पूछती हैं इंटरव्यूज़ में एडमिशन देने से पहले, जो ऑफ़र देने से पहले इंटरव्यू होती है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कि आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कैसे आप यूज़ कर सकते हो उस इंटरव्यू में, कैसे आप आंसर्स को अपना बना सकते हो, क्योंकि जब तक आप अपने आंसर्स को थोड़ा यूनिक एंड मॉडिफाई नहीं करोगे अपने वे में इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर जो आपका लेगा, जो इंटरव्यू लेगा, सो तब तक आपकी जो चांसेस है ऑफ़र आने की टॉप की यूनिवर्सिटी से वो नहीं बनेंगी, क्योंकि वो आपकी इंटरव्यू इसीलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि आपकी वो खुद की सेंस ऑफ आपकी सेंस वो देखना चाहते हैं, आप कितने सेंसिबल हो जिस कोर्स के लिए आ रहे हो, आप कितने नॉलेजेबल हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज़ यूजुअल। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ। एंड यूजली मैं वर्क वीज़ा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बस जल्दी वर्क वीज़ा के तरफ भी जाने वाला हूँ। सो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, मैं पहले डिस्कस करूँगा 5 क्वेश्चंस जो कि कंपलसरी है कि आपकी जो इंटरव्यू होगी यूनिवर्सिटी के साइड से एडमिशन के लिए उसमें पूछे जाएंगे। जो पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आपने इटली क्यों चूज़ किया, वाई यू हैव चूजन इटली। ओके, सो ही और शी विल आस्क यू दैट वाई यू वॉन्ट टू कम टू इटली फॉर यूर हायर स्टडी। आपको उस आंसर को थोड़ा सा, देखो ऐसे नहीं बताना है कि स्टडी इटली में स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑलमोस्ट फ्री है, लो अफोर्डेबल है, ये सब तो जनरल हो गया यार, हर कोई बोलता है। कोशिश करो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो इटली का थोड़ा सा कुछ हर कंट्री का एक अपना अपना एक यू नो यूनिक चीज़ होता है, यूनिकनेस होता है उनकी एजुकेशन क्वालिटी में, जो उनकी जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो आप उस चीज़ को बताने का ट्राई करो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप बताओ कि इटली में जो एज अकॉर्डिंग टू रिसर्च और जो भी जेन्युइन भी है कि इटली में 85% स्टडी किसी भी तरह का आप कोर्स करने आते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने का कोशिश करते हैं। तो कोशिश करो ये बताने को कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरी चीज़, आप उसमें बताओ कि आप इटली इसलिए चूज़ कर रहे हो क्योंकि इटली हमेशा से, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताओ कि हिस्ट्री उसका इटली का, कि वो एक सेंटर ऑफ हब रहा है पूरे वर्ल्ड में और यूरोप में एजुकेशन के मामले में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा बताने का मतलब आप कोशिश करो, और कोशिश करो कि अपने कोर्स से भी रिलेट कर दो। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में आते हो, लेट सपोज़ कि आप आते हो इटली, इटली के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कार कंपनीज, आप आते हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आते हो, ठीक है। और तो कोशिश करो कि आप ये बताओ कि इटली में ये कंपनी है तो मैं वहाँ पे जब पढ़ूंगा तो एक उसके मतलब कि इन्वायरमेंट में रहूँगा, मुझे इंटर्नशिप्स का मौका मिलेगा, वहाँ मैं इंटर्नशिप्स करने जाऊँगा। तो इस तरह से जनरलाइज करो, ठीक है, अपने आंसर्स को। कोशिश करो अपना आंसर्स एकदम ऑनेस्ट रखो, जेन्युइन रखो, ऑथेंटिक रखो, और थोड़ा सा यार कोशिश करो कि कुछ यूनिकनेस ला सकते हो, यानी कि यार कुछ यूनिकनेस इन द सेंस कि कुछ फालतू का कुछ अगर जो इसमें ऐड कर सकते हो, आप रिसर्च करो, मिलेगा तो ज़रूर करो, ठीक है। और लेंदी मत रखना और ज़्यादा उसको बोरिंग मत करना, आंसर को टू द पॉइंट रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ कि दूसरी जो क्वेश्चन आपसे पूछेगी, वो जो भी वीज़ा इंटरव्यूअर होगा पूछेगी जो भी होंगे, तो जो आपसे पूछेंगे कि आप इसी कोर्स के लिए क्यों आना चाहते हो, वाई दिस कोर्स, तो आप उसमें कोशिश करो अपने प्रीवियस स्टडी से लिंकअप करने का, अगर आप सेम फील्ड में आते हो तो, ठीक है। अगर आप बैचलर इन इंजीनियरिंग किए हो इंडिया में, तो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आते हो तो आप उससे लिंक कर दो कि मैंने वहाँ पे ये पढ़ा था, देन मैं अपना कैरियर, अपना फ्यूचर स्टडी इसी में परस्यू करना चाहता हूँ, दैट्स वाई। अगर आप कोई ऐसा कोर्स में आना चाहते हो जो आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड से मैच नहीं होती है, तो थोड़ा सा ऐड ऑन करो कुछ अपने तरफ से, कोशिश करो आंसर को रिलेट करने का आपके प्रीवियस गोल से और आपके फ्यूचरिस्टिक जो भी गोल है उनसे, और ये कोर्स चूज कर रहे हो उससे भी, वो आपके ऊपर आप कैसे करोगे, आप देख लो, आप रिसर्च करो। और
तीसरी क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकते हैं और पूछेंगे ये 100% कि आप एक तो आ रहे हो, आपने अपने आंसर दे दिया कि इटली ही क्यों यही कोर्स, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि इटली के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है आप वहाँ भी जा सकते थे, तो कभी कभी जैसे एक मेरे दोस्त के साथ हुआ, पहले उन्होंने पूछा था, वो अभी सैपियंजा में पढ़ता है मेरा दोस्त, तो उनसे उन्होंने पूछा था इंटरव्यू में कि वाई इटली, तीसरा क्वेश्चन उससे फिर उस घुमा कर यहीं पूछा था कि इटली के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छी हैं, जैसे US, ठीक है US तो हब ही है टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में, तो आप US क्यों नहीं जाना चाहते, तो कोशिश करो यार आप जो पहले आंसर दियो ना वाई इटली उसको ना दो, ठीक है यहाँ पे कुछ अलग एड ऑन करना आप, वो आपके ऊपर आप रिसर्च करो, क्योंकि हर फील्ड का डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है हर फील्ड से रिलेटेड, मान लो आप इकोनॉमिक्स से आते हो तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, तो आप कोशिश करो रिसर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो चौथी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अगर आप पढ़ने आते हो आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, अगर सेल्फ स्पॉन्सर तो बता दो, अगर आपकी जॉब की बैकग्राउंड की मैंने जॉब किया पैसा सेविंग किया, आपके मदर फादर है तो भी बताओ कि मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं वो बियर करेंगे, ठीक है सारे एक्सपेंसेस। एंड उसके बाद जो अगली क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि आप इटली आ रहे हो तो आपका इस कोर्स को करने के बाद का गोल क्या है, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है आपकी ऑफर आने में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनको बता दोगे कि आप आफ्टर स्टडी इटली में या यूरोप में जॉब खोजोगे, डेफिनेटली आपको ऑफर नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे बंदे का इंटेंशन ही क्लियर नहीं है अपने कंट्री जाने का, तो आप कोशिश करो कि जो इंटेंशन उसमें डालोगे वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डालना, कि पर्सनल रीजन है मेरा फैमिली टाइप है इंडिया में पाकिस्तान में जहाँ से भी आ रहे हो, और प्रोफेशनल डालना है कि आफ्टर स्टडी मैं अपने कंट्री जाऊँगा, मैं मुझे वहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप जैसे कि इंजीनियरिंग करने आते हो तो आफ्टर स्टडी आप इंडिया जाओगे, वहाँ पे टॉप की कंपनीज़ हैं उनमें आप आपका मतलब ड्रीम है, कोई दो तीन कंपनी का नाम ले लो कि मैं वहाँ पे वर्क करने का ड्रीम है, मैं उनके लिए काम करूँगा, या फिर अपना आप स्टार्टअप करोगे, जो करना है आप कोशिश करो कि आप ये ज़रूर शो करो कि आप इंडिया वापस जाओगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया है आपने, या फिर टॉल्क सैट आपने दिया है, आपने TOEFL TOEFL दिया है, या फिर आपने IELTS दिया है, तो अगर आप दिए हो तो उनको बताओ कि हाँ मैंने दिया है, मेरी इतनी बैंड स्कोर है, मेरे इतने नंबर हैं, एंड बस यही है, क्योंकि देखो आपकी वीज़ा इंटरव्यू नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, तो पहले मैंने आपको बताया कि आप टू द पॉइंट देन आंसर, बोरिंग नहीं बनाना, लेंदी मत करना, दूसरी चीज़ कि आप अपने उसको कोरिलेट करना जरूर, जो भी बोलो ना कि आपके चूजन कोर्स से, आप इटली अगर बोल रहे हो तो ऐसे ना पूछो, बोलो कि आउट ऑफ द सिलेबस बोल दो, अगर आप बोल रहे हो कि इटली क्यों आना चाहते हो, ऐसा बोलो कि उनको भी सेंस बने, सेंस बनना चाहिए आपके आंसर का, बस और कुछ नहीं। आप अगर हाँ ग्रामेटिकल एरर मत करना, क्योंकि वो आपका इंटरव्यूअर है, उनकी इंग्लिश रहती है टॉप लेवल की, वो भी बहुत अच्छे जगह से पढ़े हुए रहते हैं जो भी इंटरव्यू लेते हैं, तो ग्रामेटिकल एरर कम करना, इंग्लिश स्पोकन अच्छी रखना, ठीक है दैट्स ऑल। और बाकी ऑल द बेस्ट है आप सबको जिनकी भी इंटरव्यूज होने वाली है, कंडक्ट हो रही हैं, चालू हो गई हैं और होने वाली भी हैं, मार्च में तो पूरी भारत की इंटरव्यू होगी, वेनिस है और आपको मिलानो है, बरगामो है, ये सारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं सब जगह पर भर भर के इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है मार्च में, तो सबको ऑल द बेस्ट है। और अगर आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करवाना चाहते हो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है, अपने आंसर्स को बना के मैं देख लूँगा, मैं बता दूँगा सही है बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट अगेन आप सबको, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो यार पता है आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि किन किन चीज़ों पर मुझे और वीडियो बनानी चाहिए आप चाहते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।